खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर रेलवे स्टेशन की कोचिंग डिपो से थोड़ी दूरी पर ऑपरेशनल कार्य के दौरान पटरी टूटने से इंजन पटरी से उतर गया। उज्जैन सी टूल इक्विपमेंट यान इंदौर पहुंचा और अब इंजन को पटरी पर चढ़ाने का कार्य जारी है। इस इंजन का पिछला हिस्सा जमीन में धंस गया, जिससे इंजन पटरी किनारे लगी झाड़ियों में जा घुसा। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और क्विक रिस्पॉन्स की मौके पर टीम पहुंची और राहत कार्य शुरू हुआ। जानकारी मिलते ही उज्जैन सी टूल इक्विपमेंट यान भी मौके पर पहुंचा, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इंजन को पटरी पर चढ़ाने का काम शुरू हुआ। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार घटना मेन लाइन से लगी सर्विस लाइन पर हुई, जिससे रेलों का आवागमन बाधित नहीं हुआ। ऑपरेशनल कार्य के दौरान इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। फिलहाल पूरी घटना की जाँच की जा रही है। इंदौर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 55 ट्रेनें यहाँ से निकलती है, तो बीच में क्या है कि ट्रेनों का आवाजाही तेज़ी से बढ़ी थी, जैसे नया साल और दिवाली के टाइम पे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा जो ग्राफ कम हुआ। इसके बाद एडिशनल अभी कोच लगाए हैं और दूसरी स्पेशल ट्रेनें भी चल रही है, तो अभी क्या है कि पूरा ट्रेन का जो है सामान है और नॉर्मल रूप से यात्री अपनी गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। बीच में देखने में आ रहा था कि ट्रेनों में संख्या यात्रियों की बहुत कम हो गई थी, तो कोविड के कारण अभी क्योंकि देखिए बीच में क्या है कि पूरी तरह से अभी जैसे पूरे डेटा दिखा रहे हैं तो वो कम दिखा रहे हैं इंदौर के, मतलब पूरे उसमें अगर बात की जाए तो। इसलिए क्या है कि धीरे धीरे लोगों का रुझान अभी बढ़ा है, बट मेन क्या है कि सभी सुरक्षित रहें, तो इसकी वजह से जब तक पूरी तरह से ये बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक कोविड के जो नियम है उनका पालन करें, मास्क लगाएं, इसके बाद सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो इस तरह से हम लोगों को पूरी तरह से नहीं होना जाना चाहिए असुरक्षित, क्योंकि सुरक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, पैसेंजर को सारे को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। तो